हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इसके बारे में बताया था। आज हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, कंजंक्शन पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। कंजंक्शन का, कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू अ मोर वर्ड्स क्लच टू आर मोर वर्ड्स क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। मतलब ये है कंजंक्शन यानी कि संयोजक। कंजंक्शन इज ए वर्ड यानी कि कंजंक्शन इनकी संयोजक वह शब्द होता है विच ज्वाइंस जो जोड़ता है टू आर मोर वर्ड्स दो या अधिक वर्ड शब्दों को क्लॉजेस वाच्यों को एंड सेंटेंसेस और वाक्यों को। अर्थात वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को उपवाच्यों को अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करे वही हमारा कंजंक्शन होता है, संयोजक होता है। जैसे एंड एज सून एज दैट इफ इट बिकॉज सो देयरफॉर आइदर आर और भी लिख सकते हैं, आदमी होता है आइदर आर, आइदर आर, नाइदर नार, ये बहुत सारे कंजंक्शन हैं, ये हमारी कंजंक्शन का काम करते हैं। यहाँ पूरा लिखा जाए तो शायद ब्लैक बोर्ड कम पड़ जाएगा, लेकिन ये हमारे कुछ संयोजक है। एक बार फिर देखते हैं, कंजंक्शन इज ए वर्ड यानी संयोजक वह शब्द होता है जो दो या अधिक शब्दों या उपवाच्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन होता है, संयोजक होता है। ये जैसे एज, एज सून एज, दैट, इफ, एट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, और इटीसी, इटीसी, ये हमारे संयोजक यानी कि कंजंक्शन हुए। अब देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिबोधक बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस some sudden feelings of joy, sorrow or surprise। अर्थात एक बार फिर देखते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज। मतलब इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक वह शब्द होता है जो एक जो प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य का एक अचानक या आश्चर्य व्यक्त करे वही हमारा विस्मयादिबोधक शब्द होता है। जैसे
अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ईटीसी। एक बार ध्यान रखेंगे कि जो ये इंटरजेक्शन वर्ड होगा उन वर्ड के पास ये इंटरजेक्शन मार्क यानी कि या इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं, ये मार्क अवश्य रहता है। ऐसे शब्दों के बगल में ये मार्क जो ऐसे बना होता है ये उस शब्द के पास रहता है, ये ध्यान रखेंगे, तो वो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होता है। तो ये रहे हमारे कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बाद आपके सिलेबस में इसे मार्क का प्रयोग, वाचगर का प्रयोग, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ये बताया जाएगा। लेकिन इसको कंजक्शन और इंटरजेक्शन को ध्यान से कई बार देखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।